तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ऋषि। आप लोग को भी इंस्टाग्राम में एक प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे लिख कर रहा है दिस स्टोरी इज अनेबलेबल। जब भी आप किसी की भी स्टोरी देख रहे हो, आपके सामने यहाँ पे एक प्रॉब्लम शो हो जा रही है, यहाँ पे लिख कर रहा है दिस स्टोरी इज अनेबलेबल, यहाँ पे आप स्टोरी क्यों नहीं देख पा रहे हो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी और कैसे होगी, आज के वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा वो मैं आप लोग को यहां पे ट्रिक बाय ट्रिक बताने वाला हूं कि आपकी यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, दिस स्टोरी इज अनअवेलेबल वाली। तो यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग को यहां से अपने फोन के स्क्रीन पे आ जाना है। तो फोन के स्क्रीन पे आने के बाद आप लोग को यहां पे इंस्टाग्राम ऐप पे एक बार टैप करके रखना है, फिर आपके सामने यहां पे एक पॉइंट शो हो रहा है राइट में ऊपर, पॉइंट पे क्लिक करना है ऊपर, फिर आपके सामने यहां पे शो हो जाएगा, यहां पे लिखा होगा स्टोरेज स्केच। स्टोरेज स्केच वाले आइकन पे एक बार क्लिक करोगे आप लोग को यहाँ पे इंस्टाग्राम का क्लियर डाटा कर देना है, क्लियर कैच क्लियर स्टोरेज करने का। तो यहाँ पे हो जाएगा इंस्टाग्राम ऐप का क्लियर डाटा, फिर आप लोग को यहाँ से अपने फोन के स्क्रीन पे आ जाना है, फिर आप लोग को यहाँ पे क्या करना है अपने इंस्टाग्राम ऐप पे एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से ओपन करना है इंस्टाग्राम को। ओपन करने का तो आप लोग को यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के अपनी आईडी को लॉग इन कर लेना है, और लॉग इन करने के बाद यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम थी यहाँ पे सॉल्व होने वाली है, लाइव प्रूफ यहाँ पे देख सकते हो। फिर आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, किसी की भी आप लोग को यहाँ पे स्टोरी देखना है, स्टोरी देखने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे अब वो प्रॉब्लम शो नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो में आप लोग भी अगर इस वाली वीडियो से प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होंगे तो प्यारा सा कमेंट कर देना इसके कमेंट में। तो यहाँ पे मैंने आज की वीडियो में आप लोग को बता दिया है कि आप लोग को जो प्रॉब्लम शो हो रही थी इस वाली वीडियो से अगर सॉल्व हो गई है तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। आपके लिए ऐसी वीडियो हेल्पफुल बना के लेके मैं आता रहूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय।